अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रेवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो यूएई में वर्क वीज़ा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होटल ने जॉब्स अनाउंस की हैं जिसमें काफ़ी सारी उनको लेबर चाहिए, हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए और फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, लॉन्ड्री के लिए लोग चाहिए, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज निकल के आई हैं। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग इस वक्त यूएई में विजिट के ऊपर हैं और विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, वर्क वीज़ा के लिए कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या अपनी जॉब को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, होटल लाइन में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे और आप टाइमली किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, क्योंकि हर जॉब को अप्लाई करने के लिए डेडलाइन होती है, लास्ट डेट होती है। उससे पहले पहले अगर आप हमारी वीडियो देख लेंगे और आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो आपको वीडियो की इंटीमेशन मिल सकेगी और आप इजीली जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जॉब्स के अलावा दो से तीन छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो ये कि कतर के लिए यूएई में जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं उनको वीज़ा फ्री एंट्री उनके लिए ओपन हो चुकी है। वीज़ा ऑन अराइवल पिछले कुछ दिनों से ये बंद था, अभी फ्लाई दुबई का सर्कुलर आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आप इजीली जो यूएई के रेजिडेंट हैं वो कतर में जा सकते हैं, वीज़ा इनको ऑन अराइवल मिलेगा। सिर्फ करना क्या होगा, आपने एतराज़ की एक इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म फिल करके अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है और उसकी एक अप्रूवल ले लेनी है। वो अप्रूवल आपको लेने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कन्फर्म रिटर्न टिकट चाहिए और होटल बुकिंग चाहिए। कम से कम दो से तीन दिन का आपने होटल बुक कर लेना है वो अपने साथ लगा के, तो एतराज़ की अप्रूवल ले लेनी है। जाने से तीन दिन पहले आपने ये अप्रूवल अप्लाई करनी है, 48 घंटे पहले आपने एंटीजन टेस्ट करवाना है और एयरपोर्ट के ऊपर या 24 घंटे पहले आपने PCR टेस्ट करवा लेना है, जिससे आपको इजीली कतर में एंट्री मिल जाएगी। इसके अलावा यूएई से जापान जाने के लिए काफ़ी सारे दोस्त रब्ता कर रहे हैं यूएई से, जो कि जापान जाना चाहते हैं। बहुत ही आसान उसका प्रोसेस कर दिया जापान ने, चूँकि आज से जापान ने अनाउंसमेंट की हुई थी कि इन्होंने 11 अक्टूबर से अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं सारी दुनिया के लिए। अगर आप यूएई में हैं और जापान के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इनकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। सिंपली आप इन रिक्वायरमेंट्स को एक दफ़ा पढ़ लें। इसके लिए पासपोर्ट चाहिए, आपकी वीज़ा वाला पेज चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, एक तस्वीर चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, कन्फर्म टिकट चाहिए, आपने जो शेड्यूल बनाया हुआ ट्रैवल प्लान वो चाहिए। आप अपने खर्चा उठा सकते हैं, इसके लिए आपको मंथली सैलरी शो करवानी पड़ेगी, 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स हैं और उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है कि आपकी जो रहायश है वो किस एरिया में है। उसके लिए आप अपना ड्यू का, इत्तिसालात का या पानी का या बिजली का बिल कोई भी साथ लगा के अप्लाई कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट साथ लगा के अप्लाई कर सकते हैं। बड़े अच्छे चांसेस हैं यूएई से जापान जाने के लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हम इंशाल्लाह यूएई में दुबई के अंदर अपना नया ऑफिस लॉन्च करने जा रहे हैं। दुबई में इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर हम आपके पास मौजूद होंगे। जो दोस्त हमारे यूएई में रह रहे हैं और बड़े अरसे से हमें कह रहे थे कि दुबई के अंदर अपना ऑफिस बनाएं, क्योंकि दुबई के अंदर वीज़ा फ्रॉड और वीज़ा की कैटेगरी के अंदर फ्रॉड और दो नंबरी और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे नॉलेज में भी आती रहती हैं कि लोग वहाँ पर बुला के बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं और पाकिस्तानी स्पेशली पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं और कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है कि यूएई से हम किसी भी कंट्री में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, यूएई से किसी भी कंट्री की रेजिडेंट कैसे ले सकते हैं, किसी भी कंट्री में इमिग्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यूएई से शेंजन कैसे जा सकते हैं, यूएसए यूके बहुत आसान है यूएई से आगे किसी भी कंट्री में निकलना। लेकिन जब हम यूएई में ऑफिस बनाएंगे फिर जो हमारे यूएई के दोस्त हैं उनको बताएंगे कि आप वहाँ से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, एक ऑफिस लाहौर में, एक सियालकोट में, एक रावलपिंडी में और इंशाल्लाह हमारा अगला स्टॉप जो है वो दुबई में होगा। जो दोस्त हमारे इस ऑफिस को बनाने के लिए हमारे साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो हमसे ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ, जॉब्स के हवाले से। ये जो जॉब्स इस वक्त अनाउंस की हैं ये मेरिक्योर होटल एंड अपार्टमेंट्स हैं बर्षा के अंदर। 13, 14, 15 अक्टूबर को ये इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। आप लोग जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर इनकी ये आ रही है, जो उनके जो वैकेंसीज़ हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, आप इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनको फ्रंट डेस्क ऑफिसर चाहिए, गेस्ट रिलेशन ऑफिसर चाहिए,
लॉबी होस्टेस चाहिए इनको, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर चाहिए, हाउसकीपिंग अटेंडेंट चाहिए, बारटेंडर, आउटलेट कैप्टन चाहिए इनको, वेटर और वेटर्स चाहिए, किचन टेक्नीशियन चाहिए, एसी टेक्नीशियन चाहिए इनको और इलेक्ट्रिशियंस चाहिए। बेसिक सैलरी 1800 से शुरू हो रही है, 2500 दिरहम तक जा रही है, वीज़े की कोई फीस नहीं है। अगर आप विजिट पे हैं तो आप जा सकते हैं, अपनी CV, अपने पासपोर्ट कॉपी, अपने वीज़े की कॉपी और एक तस्वीर वाइट बैकग्राउंड में, ये अपने साथ लेके जानी है। जाने से पहले आपने कांटेक्ट कर लेना इन फ़ोन नंबर्स के ऊपर, फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करके टाइम लेके फिर आपने जाना है, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो सके, आने जाने का खर्चा ना पड़े और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो आपने जाने से पहले अपनी CV भी इनको ईमेल करनी है, CV भी ईमेल करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। जो एज लिमिट है वो 20 साल से लेके 40 साल के दरमियान है। अंग्रेज़ी आपको लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए, रेलिवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो दोस्त विजिट के ऊपर मौजूद हैं वो लाजमी अप्लाई करें। डेली हज़ारों मैसेजेस आते हैं कि हम UAE में विजिट के ऊपर मौजूद हैं और हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारी हेल्प करें। तो इस तरह की जो जॉब्स निकलती हैं हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में निकलें। कोशिश हमारी ये होती है कि आपको सस्ती जॉब और मुनासिब सैलरी के साथ लो कास्ट जॉब मिल जाए, जिससे आप उसमें कन्वर्ट हो सकें और अपना रिस्क कमा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।